बॉलीवुड एक्टर मनोज बाजपेयी हाल ही में भोजपुरी गीत बम्बई में काबा में नजर आए थे। इस गाने में उन्होंने भोजपुरी में रैप करते हुए प्रवासी मजदूरों की समस्याओं पर बात की थी। साथ ही इसके जरिए उन्होंने यूपी और बिहार से मुंबई आए माइग्रेंट्स की पीड़ा भी बताई थी। इसी का जवाब देने के लिए बिग बॉस सीजन 13 फेम हिंदुस्तानी भाऊ अब अपना एक गाना लॉन्च करेंगे, जिसके बोल होंगे मुंबई मचांद। जी हाँ, हिंदुस्तानी भाऊ जब नव भारत टाइम्स ऑनलाइन पर लाइव आए तो उन्होंने अपने इस गाने के बारे में बात की। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि वो मनोज बाजपेयी के फैन हैं और लोगों के बहकावे में आकर उन्होंने बनाया है ये गाना बम्बई में काबा। मैं कह रहा हूँ, आपके पीछे जो पोस्टर लगा है वो पोस्टर किस चीज का है, आप लोगों को बता दीजिए कि आपने कुछ नया काम आप लेकर आ रहे हैं, समझाइए वो पोस्टर दिखा दीजिए अच्छे से। मचान, मुंबई मचान, हाँ ये मेरा नया गाना आ रहा है, 10 तारीख को रिलीज हो रहा है। ये गाना मैंने बनाया मनोज बाजपेयी के लिए, जिन्होंने एक गाना बनाया मुंबई मुंबई में काबा, यानी मुंबई में क्या है। तो मैं उनको बोलना चाहता हूं कि मुंबई में सब कुछ है, ये मुंबई ने आपको बनाया। मुंबई में 11 नंबर से आप आए थे ना, आपको मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू और ऑडी ये मुंबई ने दिया। ये मुंबई में फिल्म सिटी चलती है, ये मुंबई है ना, यहाँ से क्या बोलते हो, छोटे से छोटा इंसान को ना बड़ा बना देती है, ये मुंबई है। पर आप इतने बड़े इंसान है, आपको करोड़ों लोग सुनते हैं, उनको आप क्या बताना चाहते, क्या संदेश देना चाहते। मुंबई में काबा क्या है, मुंबई में इंसान नहीं रहते, मुंबई में लोग नहीं है। इसके लिए ये गाने में मैं बताया कि मुंबई में क्या है करें। देखो आप मुंबई में क्या है, गलत मैसेज मत लोगों तक पहुंचा। यहाँ पे डब्बे वाले से लेके पानी पूरी वाला, यहाँ पे मुंबई किसी की जात नहीं पूछती, किसी की जात नहीं पूछती यहाँ पे। तो मेहरबानी करके हिंदुस्तान को बांटना बंद करिए अभी, इधर से उधर, उधर से इधर, क्योंकि आप एक पब्लिक फिगर है अभी, आपकी आवाज करोड़ों लोगों तक पहुंचती है। तो अच्छा बताइए, गलत मैसेज नहीं जाना चाहिए लोगों तक, ये बताया मैंने। भाऊ, क्या ये गाना आप गा सकते हैं इस समय, जितना आपको याद है? कोशिश करता हूँ, कोशिश, हाँ, कोशिश थोड़ा सा। मेरे को हंसने को आ रहा है, क्योंकि मैंने वो सबसे पहला तो बुरा काम किया है, वो गाना गाया हूं मैं, तो पहला तो अच्छा लगा तो प्यार देना, और बुरा लगा तो भाऊ समझो, भाऊ को आपके माफ कर देना। इसमें ये गाया गया है कि 24 घंटे ओपन है मुंबई, लड़की की सेफ्टी का टोकन है मुंबई, ये सब कुछ ये बताया गया है इसमें। यहाँ पे एक छोटा सा थैले वाला भी, और बहुत चीजें ऐसी जो मैं ओपन नहीं कर पाऊंगा अभी, क्योंकि अच्छा। मुझे कुछ रूल्स है जो मैं नहीं तोड़ सकता हूँ। ये कहाँ रिलीज होगा भाऊ, आपके अपने YouTube चैनल पे रिलीज होगा कि किसी नहीं, के साथ नहीं, नहीं। आप ये नेक्सस करके चैनल है, नेक्सस इसके ऊपर होगा, काफी जगह होगा। हाँ, तो 10 तारीख को रिलीज होने वाला है। बिल्कुल, आपको इस गाने के लिए तो मुंबई का, ये नया मुंबई का लैंग्वेज में पहला हिप हॉपर है, रैपर, पहला रैपर बनने वाला है मुंबई के लैंग्वेज वाला। बाकी तो उनकी बात अलग है, बादशाह, एवीए बंटा, रफ्तार, ये जितने बड़े उनकी बात ही अलग है, उनके जैसा तो नहीं बन सकता है, बहुत छोटा इंसान है उनके जैसा। भाऊ, आप ना पूरे देश के पहले ऐसे सेलिब्रिटी हैं, ऐसे व्यक्ति हैं जिनको सबसे ज्यादा प्यार किया जाता है, जबकि आप लोगों को गालियां देते हैं, बुरे लोगों को, बुरी चीजों को, बुरी बातों को आप भला बुरा कहते हैं, वो भी गालियां देकर। और उसके बाद आपको जो, सिर्फ ऐसा नहीं कि आपको मुंबई से या फिर सब महाराष्ट्र से प्यार मिलता है, आपको मैं भी देख रहा हूँ यहाँ पर
बनारस से आपके लिए प्यार आया है, यूपी से आया है, दिल्ली से आया है, राजस्थान से आया है, बंगाल से आया है। एक एक एक, एक अच्छा हो गया ये आपने एक बात किया ना, बहुत अच्छा हो गया। मैं आपको एक बात बताता हूं, कुछ लोगों ने अपना दुकान खोला जिसमें उन्होंने ये बोला है कि भाऊ ने बिहार के एक बिहार स्टेट को टारगेट किया है, यूपी को टारगेट किया है। नहीं, मैं बहुत प्यार करता है, मेरे हिंदुस्तान से प्यार करता है, मेरे हिंदुस्तान के लोगों से बहुत प्यार करता है। मैं बिहारी भी मेरे दोस्त है, यूपी वाले भी दोस्त है मेरे, जो हम एक दूसरे के लिए जान छिड़कते हैं ऐसे। मगर ये चीज के लिए ना वो दुकान चलाने वालों की कमी नहीं है। तो वो साले वो दुकान चला रहे अभी कि भाऊ अभी बिहारी लोग को कुछ तो बोलने वाला है, यूपी वालों को कुछ तो बोलने वाला है, तो ये दुकान चलाने की बहुत कोशिश कर रहे लोग। मैं उनको यही बोलना चाहता हूँ, हमारे को बांटो मत एक दूसरे में, हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, हम हिंदुस्तानी है, एक दूसरे के लिए जान देंगे, जान लेंगे भी, हम किसी को नफरत फैलाते नहीं ना नफरत फैलाने देते। ये गाने पे भी फुल मजे किया हो यार, मैं डांस किया हो, गाना गाया हो, मजे में किया हो। मैं मनोज वाजपेयी को भी गलत नहीं बोला हो, अच्छा इंसान है यार, मैं उसका फैन हूँ यार, उसके उसका मैं गैंगोज वासेपुर, सत्या, ये बड़े बड़े उसके फिल्म है ना, मेरे को बहुत पसंद है उनके, बहुत अच्छा इंसान है। मगर कहीं ना कहीं किसी के बोलने पे या किसी के बहकावे में आके उन्होंने वो गाना बनाया होगा जो उनको नहीं बनाना चाहिए था, क्योंकि यहाँ मुंबई में भी आपको चाहने वाले बेटे हैं यार, तो आप कहीं ना कहीं ये चीज में गलत थे, इसके लिए मुझे जवाब देना पड़ा। और मुझे जवाब देना तब पड़ता है जब मुझे लाखों मैसेज आते कि भाऊ देखो क्या हुआ, भाऊ ये हुआ है, भाऊ हुआ है, तो लोगों का एक आवाज हूं मैं, जो मुझ तक आता है वो उन लोग नहीं बोल सकते, तो मुझे वो बोलना पड़ता है। तो प्लीज अच्छा, गलत फहमी मत पालो, कुत्ता पालो मगर गलत फहमी मत पालो, जवाब मिलेगा। अच्छा भाऊ, दो चीजें, एक तो मनोज वाजपेयी साहब, अगर ये वीडियो का ये पार्ट मैं उनको भेज दूंगा या मैं न्यूज पे डालूंगा ये अलग से, आप मनोज वाजपेयी को क्या कहेंगे, कैसा प्यार देंगे और क्या प्यार भरी शिकायत करेंगे? जो भी कहना है इस वीडियो में कहिए, मैं ये भेजूंगा उनको खबर बना के। मनोज वाजपेयी जी, आप बहुत अच्छे इंसान हो, आप बहुत अच्छे इंसान हो, आप बहुत अच्छे एक्टर हो, मैं आपका बहुत बड़ा फैन है। वो आपका एक डायलॉग है ना, कांजुरकर को कल्टी दिया, अमोल शुक्ला गया, गुरु नारायण तू भी ऊपर, इधर भाऊ को इलेक्शन में जीता है कौन, भिक्कू मात्रे, मुंबई का किंग कौन, भिक्कू मात्रे, अरे हाई क्या रे कोई भिक्कू के सामने, तो आना साला कोई नहीं है। तो ये उनके जो डायलॉग्स है, उनका ये सब कुछ है ना, मैं बहुत बहुत मुझे बहुत पसंद है वो। मगर कहीं ना मनोज जी, आपने ये गाना बना के थोड़ी सी गलती किया, किसी का सुन के आपने थोड़ी सी गलती किया, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपको कि किसी का दिल दुखे ऐसा मत करिए प्लीज। बाकी आप बहुत अच्छे इंसान है, बस ये मत करिए, बुरा लगा बस इसके वजह से मैंने ये गाना बनाया। मगर वो गाने में भी किसी का दिल दुखे ऐसा कुछ नहीं बोला है मैंने, सबको समझाया हूं मैं कि हमारी मुंबई वैसी नहीं, मुंबई कर बहुत प्यार करते हैं, हर किसी से प्यार करते हैं, जो भी मुंबई में आएगा वो हमारा वो भगवान मेहमान जैसा होता है वैसा हमारे। बस थैंक यू सो मच, लव यू।